ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एनपीएस का जिक्र है, बैंकिंग घोटालों का जिक्र है, जो लोग देश का पैसा लेकर भाग गए हैं उनका जिक्र है। आप लोगों का क्या मानना है, आपके क्या विचार है, टीवी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो डायल करके आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस पूरी बहस का हिस्सा बनी है कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का ये कहना है मोदी सरकार के ऊपर वार करते हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 7 मई 2015 को पहली बार वैभव खुरानिया ने पीएमओ को पूरे मामले की जानकारी तथ्यों के साथ दे दी थी। इसकी जानकारी ये विजय माल्या के पूरे मामले को लेकर जानकारी, नीरव मोदी के पूरे मामले को लेकर, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो 14,000 करोड़ के आसपास लेकर देश का फुर हो गए हैं उनके बारे में कांग्रेस का ये आरोप है। 26 मई 2015 को पीएमओ को इसकी शिकायत पहुंच जाती है, दे दी जाती है शिकायत। इससे साबित हो गया कि 7 मई 2015 को नीरव मोदी की धोखाधड़ी की जानकारी पीएमओ और अन्य एजेंसियों को मिल गई थी। 26 जुलाई 2015 को एक और व्यक्ति हरि प्रसाद सीधे सीधे मोदी से शिकायत करते हैं कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी बहुत बड़े फ्रॉड हैं और वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि जब सब कुछ सरकार की जानकारी में था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। संसद के पटल पर दिए गए जवाब और भिन्न भिन्न साक्ष्य और तथ्य जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूं उनसे यह साफ हो जाएगा कि 7 मई 2015 से 1 मार्च 2018 तक, यानी लगभग 3 साल तक, प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ फ्रॉड की जानकारी होते हुए भी कार्यवाही जानबूझकर नहीं की, ताकि 4 जनवरी 2018 को पहले ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश छोड़कर भाग जाएं। जी हां, अब मेहुल चौकसी एंटीगुआ में है, वहाँ की नागरिकता ले ली है। इसमें भी आरोप लग रहा है कि वहाँ की नागरिकता दिलवाने में, यहाँ से क्लियरेंस देने में मौजूदा सरकार का हाथ है, मौजूदा सरकार की शह है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक से 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी एमी, उनका भाई विशाल और चाचा मेहुल चौकसी मुख्य अभियुक्त सामने आए थे। बैंकों का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ साजिश रची और बैंक को नुकसान पहुँचाया। पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में पहली बार नीरव मोदी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में उन पर 280 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। 14 फरवरी को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस फर्जीवाड़े की जानकारी दी थी। 15 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने दखल दिया और नीरव मोदी के मुंबई, सूरत और दिल्ली के कई दफ्तरों पर छापेमारी की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन ये सभी अभियुक्त जनवरी में ही देश छोड़कर भाग निकले। भारतीय एजेंसियां इनके प्रत्यार्पण की लगातार कोशिश कर रही हैं। नीरव मोदी हो, कोशिश हो रही है मेहुल चौकसी की, और स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं विजय माल्या, इनको लाने की कोशिश हो रही है। नीरव मोदी के भाई निशाल बेल्जियम के नागरिक हैं और उनकी पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं, और मेहुल चौकसी के बारे में बताया जा रहा है वो एंटीगुआ के नागरिक बन गए हैं। मेहुल चौकसी का हाल ही में एक वीडियो संदेश सामने आया है जिसके जरिए सफाई देने की कोशिश की गई है। सफाई देने के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आर्थिक धोखाधड़ी करके भागने वालों के खिलाफ हमारी सरकार ने बेहद प्रभावी कानून बनाया है। अगर कानून बनाया है तो वो असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसे असर करने में वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो आखिर कितना वक्त लगेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनका क्या कुछ कहना है, 2 अगस्त का उनका बयान है। उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि जो भी लोग फ्रॉड करने वाले हैं, जो भी लोग घोटाला करने वाले हैं, देश का पैसा लेकर बाहर जाने वाले हैं, उन पर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रविशंकर प्रसाद का बयान सुनते हैं ताकि कुछ उम्मीद आप लोगों को जगे।
आज सच्चाई सामने आई है, एक टेलीविजन चैनल ने मेहुल चौकसी के वकील जो एक विदेशी हैं उनकी टिप्पणियों को सामने रखा है, जिससे कांग्रेस पार्टी के मेहुल चौकसी के संबंध सामने आए हैं। और मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं जो टीवी पर चल रहा है। डेविड डॉर्सेट, मेहुल चौकसी अटॉर्नी, क्या कहते हैं वो, ही वॉज ए बिजनेस मैन, ही वॉज एन ऑर्डनरी बिजनेस मैन, एन ऑर्डनरी बिजनेस मैन एंड ही डिड हैव सम लूज अलायंस विद वॉट इज नाउ द अपोजिशन पार्टी इन इंडिया, द कांग्रेस पार्टी। तो मेहुल चौकसी के जो विदेशी वकील हैं जो उनके तरफ से पेश हो रहे हैं, उन्होंने आज एक टेलीविजन चैनल को एक कंफर्म किया है कि मेहुल चौकसी का एक लूज अलायंस था कांग्रेस पार्टी। अगर केंद्रीय मंत्री मीडिया के कैमरों के सामने कुछ तथ्य लेकर आते हैं तो ये मानकर चला जाना चाहिए कि उसमें सच्चाई भी होगी। अगर उसमें कांग्रेस का हाथ निकलकर सामने आता है, कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत निकलकर सामने आती है, तो फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, कांग्रेस नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। पूरे मामले के ऊपर सिर्फ ये बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप क्यों होते हैं। इन तमाम सवालों के साथ आज स्टेट टॉक में इतना ही। इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए जस हिंदी, अपना इंडिया।